ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने कहा है कि इसराइल पर हमास के हमले में ईरान मुलव्वस नहीं। टीवी पर खिताब में ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर हमास के हमले को सराहते हुए कहा है कि जिसने सहोनी रियासत पर हमला किया हम इनके हाथ चूमते हैं। इन्होंने कहा इसराइल पर हमास के हमले में ईरान मुलव्वस नहीं, तहम इसराइल पर ये हमला इसकी फौज और इंटेलिजेंस के लिए नाकाबिले तलाफी शिकस्त है। हमास के तबाहकुन हमले ने इसराइल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जिसकी तलाफी इतनी आसान नहीं। सुप्रीम लीडर ने इसराइल को ही इसकी अपनी तबाही का जिम्मेदार करार दिया। दूसरी जानेब अक़वामे मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने इसराइली धमकी पर रद्द अमल का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने किसी भी किस्म की अहमकाना कार्रवाई की तो इसका मुंह तोड़ और तबाहकुन जवाब देंगे। वाज़े रहे कि हमास के इसराइल पर हमले के बाद अमरीका ने इल्जाम आयद किया था कि हमास के इस हमले के पीछे ईरान मौजूद है। ताहम अमरीकी अहकाम ने फौरी तौर पर ईरान के मुलव्वस होने की कोई इंटेलिजेंस वायद पेश नहीं किए।